स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर ग्रीटिंग्स, दिस इज एम रहमान एंड यू आर अटेंडिंग ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. वी वेलकम यू टू आवर लेक्चर 4th एंड द टॉपिक इज डीप वाटर फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो. इस लेक्चर में आप जानेंगे कि कैसे विलियम डगलस विक्ट्री हासिल करते हैं अपने डर पर. आप जानते हैं कि चैप्टर को विलियम डगलस ने लिखा है और ये ऑटोबायोग्राफिकल चैप्टर है. इसमें हम चैप्टर शुरू करने से पहले अपने पैराग्राफ को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि विलियम डगलस के साथ क्या समस्या रही थी. 4 इयर्स की एज में जब कैलिफोर्निया में उनके साथ लहर के द्वारा डर बैठा दिया गया, लहर जब उनके सिर के ऊपर आई और राइडर बहुत ज़्यादा डर गए, वो डर उनके ऊपर बैठा रहा और 11 साल की उम्र में जब वे YMCA पूल पर पहुंचे तो फिर एक बिग ब्रूजियर बॉय ने उनको वहां से पानी में फेंक दिया और वे फिर एक बार पानी की दहशत में आ गए और वे इतनी दहशत में आ गए कि उन्होंने पानी के पास जाना ही छोड़ दिया. फिर उसके बाद उन्होंने एक सिस्टम बनाया अपने रिजोल्यूशन पर, वापस आए कि मुझे तैरना सीखना ही है और उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और एक पुली और एक रोप की मदद से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप और पार्ट बाय पार्ट अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग स्विमर बनाने की कोशिश की. अब वे इस लेवल पर पहुंच गए कि इंस्ट्रक्टर की तरफ से सारी एक्सरसाइजेस पूरी हो चुकी थी, वे लगभग स्विमिंग को सीख चुके थे. उन्होंने इंस्ट्रक्टर को छोड़ दिया. यहाँ पर विलियम डगलस कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर फिनिश हो गए लेकिन मैं अभी फिनिश नहीं हुआ था, यानी राइटर को अभी प्रैक्टिस करना बाकी था. अब क्या होता था कि जब भी वह कहीं पर तैरने के लिए जाते थे, गॉटरॉक्स में जाते थे, कैस्केड्स में जाते थे, तो उनका डर वापस आ जाता था और उनको इस तरह से डराने की कोशिश करता था कि भाई अब आपके इंस्ट्रक्टर तो है नहीं, आप अकेले हो और फिर हम आपको डराएंगे और आप स्विमिंग कभी नहीं सीख पाएंगे. लेकिन राइडर ने डर को हराने का पूरा प्रयत्न किया और आइए देखते हैं कि वह कैसे आगे एफर्ट्स करते हैं. अब आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ नंबर 28 वहां से शुरू होता है जब नैरेटर ने कहा कि इंस्ट्रक्टर को फिनिश करने के बाद उन्होंने सोचा कि अभी उनका वर्क फिनिश नहीं हुआ है और उन्होंने अपने आप को जारी रखा. कैसे जारी रखा, लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 28. This went on until July, और ये सिलसिला जुलाई तक जारी रहा. आप ये सारी डेट्स एक सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकली याद रखेंगे. But I was still not finished. जैसे कि भी बताया था, नरेटर का मानना था कि वह अभी फिनिश नहीं हुए थे और still not satisfied, और वह अभी भी संतुष्ट नहीं थे. संतुष्ट नहीं थे इसलिए फिनिश नहीं हुए थे, इट मीन्स उनको प्रैक्टिस करनी थी. I was not sure that All the terror had left, और राइडर को अभी ये श्योर नहीं था कि उनका सारा टेरर छोड़कर जा चुका था. So I went to lake, कौन सी लेक, Wentworth, और वह Wentworth लेक पर पहुंचे न्यू हैम्पशायर में. न्यू हैम्पशायर में कौन सी लेक, लेक का नाम आपको याद रखना है Wentworth. Dived off a dock at Tricks Island. Tricks Island एक जगह का नेम है और डॉक किसे कहते हैं ये आप समझ लीजिए. डॉक एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होता है जो कि शिप की एक्सेस के लिए ईज पैदा करता है, शिप के शिप को बैंक पे लगाने में आसानी पैदा करता है. तो डाइव्ड ऑफ का मतलब है डाइव लगाना, छलांग लगाना उस डॉक से, और ये डॉक कहाँ पर था, ट्रिक आइलैंड पर. ये आपने याद रखना है. और आप देख रहे हैं कि उनके इंस्ट्रक्टर को फिनिश करने के बाद किस जगह पर उन्होंने अपनी फिर प्रैक्टिस शुरू की, तो वो Wentworth इन न्यू हैम्पशायर में, इसलिए हमने इसको अंडरलाइन किया है. इसके बाद आता है एंड स्वेम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. तो क्या समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जो कि 2 किलोमीटर का सफर, 2 miles, किलोमीटर और माइल्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, 2 miles का उन्होंने स्विमिंग किया. आप जानते हैं कि एक ऐसा लड़का जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, कैसे भी करके उसने अपने इस डर पर काबू किया और 2 miles का स्विमिंग करना अपने आप में एक रिमार्केबल अचीवमेंट था. वो भी किस समय, वो भी उस समय जबकि आपके पास इंस्ट्रक्टर नहीं थे. आई स्वेम द क्राउल, द ब्रेस्ट स्ट्रोक, द साइड स्ट्रोक एंड द बैक स्ट्रोक, दीज आर द टेक्निक्स ऑफ स्विमिंग. जो उन्होंने बिट बाय बिट जो अलग अलग पार्ट्स में
कभी क्राउल स्ट्रोक सीखा था, कभी ब्रेस्ट स्ट्रोक सीखा था, कभी साइड स्ट्रोक सीखा था, कभी ब्रीदिंग को इनहेल एंड एक्सहेल करना सीखा था। तो वो सारी चीजों को एज एन इंटीग्रेटेड फॉर्म उन्होंने अप्लाई किया। इट मीन्स उन सारे टुकड़ों को जो अलग अलग एक्सरसाइज में सीखे गए थे नरेटर ने सबको एक साथ यूज किया। Only once did the terror return. बस अब की बार एक ही बार टेरर वापस आया। When I was in the middle of the lake. और वह टेरर कब वापस आया? जब राइटर लेक के बीच में थे। I put my face under and saw nothing. मैंने अपना मुंह पानी के नीचे दे रखा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था but bottomless water. और अगर मुझे कुछ दिख रहा था तो ऐसा पानी जिसका कोई नीचे सीमा कोई तला नहीं था। The old sensation returned in miniature. बड़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर दी गई है कि वो पुराना सेंसेशन, वह पैरालिसिस उसके अंदर आना, पैरालिसिस होना और लिंप हो जाना उसके अंदर आया, लेकिन मिनिएचर में। मिनिएचर मीन्स बहुत कम मात्रा में। I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" क्या लगता है तुम्हें मिस्टर डर, मिस्टर भय, मिस्टर टेरर, क्या कर सकते हो तुम मेरा? It fled and swam on. क्या बात कही है, वह भाग गया और मैं तैरता रहा। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स जान लें कि जो हमारा यहाँ पर पैराग्राफ है इसका हमने नाम रखा है चेजिंग द गोल, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग द इंस्ट्रक्टर, चेजिंग द गोल, अपने गोल का पीछा करना। तो इस पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चंस पैदा हो सकते हैं। पहला ये कि इंस्ट्रक्टर को छोड़ने के बाद राइटर ने किस जगह पर से तैरना शुरू किया, किस जगह तक वे तैरे। तो वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर से लेकर के जो ट्रिग आइलैंड में पड़ता था वे दूसरे आइलैंड की जो झील है स्टैम एक आइलैंड तक तैरे। वहां पर उन्होंने सारे स्ट्रोक्स एज एन इंट्रिकेटेड फॉर्म यूज किए और उसके बाद उन्होंने टेरर को वार्न भी किया कि वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसके बाद डियर लर्नर्स लेट्स कम टू पैराग्राफ 29। येट आई हैड रेजिड्यूअल डाउट्स। अब देखिए इतना पुराना डर था तो वह डर एकदम तो जा नहीं सकता था, तो मेरे अंदर रेजिड्यूअल मीन्स थोड़ा थोड़ा करके डाउट्स आ रहे थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट। मुझे एक बार एक अवसर मिला और मैं फुर्ती से वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप द टीटन एंड कोनार्ड मीडोज। या टीटन और कोनार्ड मीडोज प्लेसेस के नेम्स हैं। मैं वहां पर गया, अप द कोनार्ड क्रीक और कोनार्ड क्रीक तक गया, ट्रेल टू द मीड ग्लेशियर तक गए एंड कैम्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक। और उन्होंने वहां पर कैंपिंग भी करी और जहां ये कैंपिंग कर रहे थे वहां पर गर्म पानी की झील थी, वो आम लेक उसका नाम था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई स्टिप डाइव्ड इनटू द लेक। राइटर ने अपनी जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी और लेक में छलांग लगा दी एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर। और वह दूसरे किनारे तक तैर करके गए एंड बैग और वहां से वापस आए। जस्ट अ डॉग कॉर्पन यूज टू डू, जैसे कि महान स्विमर डॉग कॉर्पन किया करता था। I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. Students, इस लाइन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यहाँ पर कहा कि जब मैं खुशी से चिल्लाया तो गिल्बर्ट पीक तक इको गई एंड वह लौट कर आई। मतलब जब आप एकांत में होते हैं और आपको कोई नदी के सामने, नदी को पार करने के बाद दूसरे छोर पर कोई पहाड़ होता है और आप एक छोर से तैरना शुरू करने से पहले चीखते हैं और फिर उसे छू कर आते हैं और फिर विजयी उद्घोष करते हैं, चीख करके अपने जीत को चीयर अप करते हैं, तो वह आवाज आपको उस सामने वाले पहाड़ से जो कि नदी के दूसरे छोर पर है आप तक लौट कर आती है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर राइटर के साथ था। आई शाउटेड विद जॉय द गिल्बर्ट पीक रिटर्न्ड द इको। और गिल्बर्ट पीक जो कि नदी के उस बॉडी ऑफ वाटर के दूसरी तरफ थी से उनकी आवाज वह लौट कर आई और वह आवाज थी, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैंने पानी को जीत लिया है, मैंने उस भय को जीत लिया है जो पानी से था। तो इस पैराग्राफ का नाम स्टूडेंट्स हम यहां पर रखेंगे अपॉर्चुनिटी, यानी जो अपॉर्चुनिटी उन्हें वेस्ट में जाने की मिली थी गिल्बर्ट पीक के पास कोनार्ड एंड क्रीक ट्रेल और मीड ग्लेशियर में, वो उसमें वे सफल हुए। इसके बाद हम आते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 30 पर। The experience had a deep meaning for me. इस पैराग्राफ की एक एक लाइन बहुत ज्यादा कीमती है, आपको पूरे ध्यान से समझना है।
यह एक्सपीरियंस मेरे ऊपर एक डीप मीनिंग रखता था। इस पैराग्राफ को हमने टाइटल दिया है एक्सपीरियंस, तो डीप मीनिंग कैसे रखता था, ये एक लॉन्ग आंसर हो सकता है जिसमें आपको समरी को अलग अलग पोर्शंस में तोड़कर पैराग्राफ वाइज लिखना होगा। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, और इस भय को केवल वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने किसी डर को फेस किया एंड कॉन्कर्ड उसको जीता एंड अप्रिशिएट, केवल वही मेरे इस डर को जीतने में अप्रिसिएशन दे सकते हैं। तो इसमें आएगा कि क्या समझते हैं आप इस लाइन से, कि इस बात को केवल वही लोग समझते हैं जिन्होंने ऐसे स्टार्क टेरर को फेस किया और उसे कॉन्कर किया, केवल ऐसे कॉन्करर ऐसे विजेता ही मेरी इस फीलिंग इस विजय को अप्रिशिएट कर सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं के विषय में लिखिए। ये एक लॉन्ग आंसर होगा। तो आप जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक एक क्षण को जो कि मौत के करीब तक ले गया था वह वापस आए, और कैसे फिर उन्होंने दोबारा से अपने प्रयास किए और कैसे एक जीत हासिल की, आप समझ सकते हैं। वो आपको सारा सिस्टमैटिक वे में कोहेरेंस के साथ लिखना है। इन डेथ देयर इज पीस, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जब मृत्यु आती है तो उसमें शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु से डर नहीं, मृत्यु के डर से डर लगता है। As Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." Franklin Roosevelt, the President of America, ने कभी कहा था कि वास्तव में जिस चीज से हमें डरना है वह स्वयं डर है। यह भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एक कोटेशन हो सकती है जिस पर आपसे पूछा जा सकता है, What do you think? Write in detail. तो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की बात को आपको जब भी यह आंसर लिखना हो तो जितनी हमने अंडरलाइंस की हैं को पॉइंट बना करके लॉन्ग आंसर में कोहेरेंस मीन्स एक सीक्वेंस वाइज सारी डिटेल्स को डालना है, और आप अपने आंसर में कोशिश करेंगे कि टेक्चुअल वर्ड्स का यूज करें। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ सेंसेशन ऑफ डाइंग, राइटर कहते हैं क्योंकि मैंने बहुत बारीकी और नजदीकी से एक्सपीरियंस किया है। सेंसेशन वह भावनाएं, वह चढ़ता हुआ जादू ऑफ डाइंग मौत का, एंड द टेरर और डर का दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वह फियर जो इसे पैदा कर सकता है। इट मीन्स मैंने अपने पास अप्रोच होती हुई डेथ का और उसकी जो सिहरन शरीर में चढ़ती है और उससे जो डर पैदा होता है वो मैंने जो भी कुछ प्रोड्यूस कर सकता है वो मैंने महसूस किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रिव इन इंटेंसिटी, लेकिन मेरे अंदर समहाउ मीन्स कैसे भी करके एक विल थी जीने की, कुछ करने की इंटेंसिटी तीव्रता के साथ जो कि मुझे इस स्तर तक लाई। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया डेथ का, डेथ के उस सिहरन का, सेंसेशन का, उस डर का जो भी वह डर और डेथ पैदा कर सकती थी, और मेरे अंदर कैसे भी करके एक इच्छा थी, एक इंटेंसिटी थी जीने की कि मैं यह कर पाया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि इसका हमने टाइटल एक्सपीरियंस दिया है। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 31 पर। पैराग्राफ कहता है At last I felt released, और जब राइटर जीत गए, गिलबर्ट पीकसन की को वापस आ गई, और जब वे बिना इंस्ट्रक्टर के तैर रहे थे तो मिड में जाकर के उनके पास टैरर एक मिनिएचर में वापस आया था। तो क्या हुआ था, उन्होंने कहा वह डर गए थे, फिर वो वापस आए और उन्होंने जाना और आना पूरा किया। ये उनकी सबसे बड़ी लीप थी। ठीक है, लीप का मतलब है सबसे लेंथ में वो बिना इंस्ट्रक्टर के पहली बार तैरे थे। अब उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया था और उन्होंने विजय उद्घोष कर दिया था। इट मींस अनाउंसमेंट ऑफ विक्ट्री कर दिया था कि अब मैं पानी से डरता नहीं हूं, और वह रिलीज हो गए उस डर से, मुक्त हो गए उस भय से। टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स, ट्रेल्स और जो भी वह पानी की जो उनकी एक सीरीज थी जिसमें वह स्विमिंग करते थे, एंड क्लाइम द पीक्स एंड ब्रश असाइड फियर, और उसके बाद वह स्विमिंग की चोटियां पीक चढ़ते गए। ब्रश असाइड एक फ्रेज है, और उन्होंने डर को एकदम साइड कर दिया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने इस टाइटल को, इसको टाइटल दिया है विनिंग, विनिंग मीन्स विक्ट्री, और इसके साथ साथ आप यहां पर देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक्चुअली व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, वे डिटरमिन्ड क्यों थे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि उनके अंदर कोई इंटेंसिटी थी, एक तीव्रता थी जीने की, वह तेजी से पैदा हुई थी और उसने उनको पानी पर जीत हासिल करने के लिए प्रेरित किया। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, तो आप यहां से आंसर दे सकते हैं इसको
कि ये जो पोर्शन है आपका 23rd वाला, इसके अंदर बिट बाय बिट वाले जितने पोर्शन आए हैं वो आप यहाँ से इसको आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस ने ये कैसे मेक श्योर किया कि वे ओल्ड टेरर को जी चुके हैं? तो गिल्बर्ट पीक वाला जो पोर्शन है वो उनका फाइनल स्विमिंग का कंक्लूजन है, आप उसको दे सकते हैं। और जब उन्होंने इको लगाई कि मैं जीत गया हूं और उनकी आवाज लौटकर वापस आई, तो यहां तक आप इस पोर्शन को अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये डीप वाटर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसके सभी पार्ट्स आप हमारी प्लेलिस्ट में जा करके समझ सकते हैं। और अगले चैप्टर्स को जारी रखने के लिए, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन के दूसरे पार्ट्स को जारी रखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से कमेंट्स कीजिए। आपकी ये बातें हमारे लिए मोटिवेशन साबित होंगी और हम आपके लिए और बहुत कुछ बेहतर कर पाएंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।